ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हम जिस बात पे ज़्यादा जोर देंगे वो है कर्म जब सकाम किए जाते हैं तो फल का कारण बनते हैं। तो ये बहुत इन्फीरियर क्लास के होते हैं, बहुत ही अवर्क दूरेण ही अवरम कर्म भगवान कहते हैं। श्लोक है जिसमें से मैं बोलूँगा आपको, दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। दूसरा अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, कर्मयोग है ना, इसलिए दूरेण ही अवरम कर्म, इनसे दूरी रहो। अवरम यानी बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के कर्म, इनसे दूर रहो, तुमको बांध लेंगे, तुमको बांध लेंगे। क्या करें, बुद्धि योग की ओर चलें। बुद्धि योग दो चीज़ें हैं, पहला सकाम कर्मों से दूर रहें, बुद्धि योग की ओर चलें, बताऊंगा मैं क्या होता बुद्धि योग। तीसरा है कृपणाः फल हेतुवः, कृपणाः फल हेतुवः, जो फल की कामना चाहते हैं वो कृपण होते हैं। कृपण यानी बहुत ही गया बीता आदमी, कंजूस, जो अपने लिए चाहता है, सब कुछ अपने लिए चाहता है, वो कृपण कहलाता है, कंजूस। कृपणाः फल हेतुवः, ये दूसरे अध्याय का पूरा एक सार है इस श्लोक में। और इसके तुरंत बाद फिर भगवान चालू हो जाते हैं जब वो कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति हो वह सुकृत दुष्कृत तस्माद् योगा युज्यस्व योग योग कर्मसु कुशलम। योग कर्मसु कुशलम वाला श्लोक है वो इसके बाद का है। और इसके बाद फिर अर्जुन की जिज्ञासा ऊपर उभर आती है, हे भगवान आपने स्थित प्रज्ञ के बारे में कहा, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा होती है, कैसे चलता। तो हम स्थित प्रज्ञ को नहीं ले रहे, हम अभी इसी श्लोक को ले रहे हैं, 2:49 2:49, ठीक है। इस श्लोक में जो भाव आया है वही भाव हमारे इस गीत में है जो हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के पदचिन्हों पे चले हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए और यश गौरव पाया, उन्होंने इतिहास भी अमर किया और आज हम उनकी जय गाते हैं। चाहे भगत सिंह हो, चाहे वो दानशील कवच कुंडल देने वाले कर्ण हो, और चाहे वो अन्य जितने महापुरुष हों जिन्होंने कि आज़ादी के लिए अपनी जान दी, उन्हीं के बारे में है। उनके पदचिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। उनके पदचिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं, उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं। कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं।
अगणित कष्ट उठाए थे, मातृभूमि के लिए जिन्होंने अगणित कष्ट उठाए थे, वन वन भटके पर्ण जिन्होंने अपने शीश झुकाए थे, वन वन भटके पर्ण जिन्होंने अपने शीश झुकाए थे, बच्चे भूखे रहे न फिर भी जो किंचित घबराए थे, जो किंचित घबराए थे, जाति धर्म के हित संघर्षों के कंटक अपनाए थे, वे कंटक अपनाए थे, सही देश के लिए जिन्होंने, देश के लिए जिन्होंने अगणित विपदाएं की, जिन्होंने जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं, जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं। सत्य के लिए सदा जो कष्ट अनेकों व्यस सहे, जिए सत्य के लिए सदा जो कष्ट अनेकों व्यस सहे, आन निभाए चाहे बिक कर मरघट में बन भृत्य रहे, आन निभाए चाहे बिक कर मरघट में बन भृत्य रहे, संपत्ति त्यागी नारी सुत बेचे दुख की सीमा कौन कहे, दुख की सीमा कौन कहे, फिर भी कष्ट पुण्य सम समझे रहे सत्य का पंथ गए, रहे सत्य का पंथ गए, सत्य मार्ग से डिगे न चाहे, सत्य मार्ग से डिगे न चाहे, आई विपदाएं जिनने, जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं, जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं। बने भगीरथ ज्ञान गंग भू पर लाए, वेद मूर्ति जो बने भगीरथ ज्ञान गंग भू पर लाए, तप से सूक्ष्म जगत शोधित कर तपोनिष्ठ वे कहलाए, तप से सूक्ष्म जगत शोधित कर तपोनिष्ठ वे कहलाए, इस जीवन की परिपाटी को जन जीवन से जोड़ दिया, जन जीवन से जोड़ दिया, जन जन में देवत्व जगा कर चक्र आसुरी तोड़ दिया, चक्र आसुरी तोड़ दिया, उनके निर्देशों पर चल कर, उनके निर्देशों पर चल कर नवयुग हम पाए, जिनने जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं, जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं, उनके पद चिन्हों पर चल कर यश गौरव हम पाए, उनके पद चिन्हों पर चल कर यश गौरव हम पाए, जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं, जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं, जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनकी जय गाएं, आज हम उनकी जय गाएं, आज हम उनकी जय गाएं। कुछ प्रश्न हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान वो है जिसको पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम सबका जन्म इसीलिए हुआ है। ब्रह्म ज्ञान को पाओ और पाने के बाद मुक्त हो जाओ। ब्रह्म ज्ञान पाते ही मुक्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। अपने आप के बारे में ज्ञान, आप क्यों आए हैं धरती पर, किस लिए भेजा गया, ये ब्रह्म ज्ञान बड़ी विलक्षण चीज़ है, और अगर ये जीवन में आ जाए तो फिर क्या बात है। हम सारा जीवन भटकते रहते हैं माया में, मोह जंजाल में, आसक्तियों में, तृष्णा में, वासना में, और कभी हमको ब्रह्म ज्ञान की चाह भी नहीं होती है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं, उसका स्वाद ही नहीं मिला हमको। जिस दिन स्वाद मिल जाएगा, जिस दिन वो हमारे जीवन में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर हमारी चाह बदल जाएगी, फिर हमारी चॉइस बदल जाएगी।
कभी कभी हमारे सबसे करीबी व्यक्तियों से ना चाहते हुए भी हमारे संबंध टूट जाते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पाते। आप बताइए क्या करना चाहिए। संबंध जोड़ लो फिर से, सॉरी कहने में कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कह लो, हाथ मिला लो और गले मिल जाओ, झप्पी दे दो, झप्पी देना बोलते हैं ना उसको, क्या दिक्कत है उसमें। अरे यार मेरे मुँह से निकल गया था, सॉरी यार, वो सामने वाला भी झुक जाएगा। इसलिए कभी ऐसा निकल जाए अगर मान लो तो सिंपल है, ट्राई टू अपोलोजाइज, ट्राई टू से सॉरी। बस जब आप सॉरी कहोगे तो अपने आप ही आपका अंदर का ईगो मेल्ट हो जाएगा। समाज सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे। समाज सेवा जो है उसको आराधना कहा है गुरुदेव ने, और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आप मुक्त हो सकते हैं। करते करते हमारे कर्म, करते करते हमारे कर्म शुद्ध होते चले जाते हैं। कर्म केवल हमें वही नहीं करना है, मुक्ति नहीं करना है, कर्मों को हम शुद्ध करना है, हमें शुद्ध, और कर्मों का जो भार है उसको मिटाना है, निर्भार होना है कर्म से। तो ये कर्मयोग की जो सबसे अच्छी एक बड़ी बात है कि कर्म किसी भी हालत में किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। सेवा करते करते भी कर्म हो जाता है। एक कक्षा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर होनी चाहिए, ऐसा आपसे निवेदन है। करेंगे, एक क्लास करेंगे इसकी, नवरात्रि की बात करेंगे, ठीक। तुम लोग कई बार सुन चुके हो क्लासेस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की, पर मैं अलग ढंग से समझाऊंगा, जैसा मैंने पढ़ा है उसको, जैसा मुझे गुरुदेव ने सिखाया है और मैंने उनके साथ बैठ के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पे किताबें लिखी हैं उनके आधार पर। हो सका तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा। जूनियर और सीनियर दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे ध्यान रखना चाहिए। बेटा कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं, सब 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 के सब एक ही स्टेज के हैं। कोई गुणों की दृष्टि से जूनियर है, कोई गुणों की दृष्टि से सीनियर है। किस दृष्टि से जूनियर मानते हो तुम उसको, BSc 1, BSc 2, BSc 3 या जूनियर सीनियर किसको बोलते हैं। जूनियर सीनियर का मतलब होता है आपके अंदर की ऊंचाई कितनी बड़ी है, आप कितना ऊंचा उठे। आप जितना ऊंचा उठोगे वैसे ही आपकी सीनियरिटी बढ़ती चली जाएगी। यदि हमें कोई कटु वचन बोल दे तो हमें उसका जवाब कटु वचन बोल करके देना चाहिए कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। यदि नहीं तो उस कटु वचन को अपने माइंड से कैसे भुलाया जाए, इरेज इट, इरेज। रबर से जैसे इरेज करते ना, पेंसिल से लिखे हुए को अपन मिटा देते हैं, ऐसे उसको मिटा दो। और वो आपके, आपको एक अभ्यास करना पड़ेगा उसका, और उस अभ्यास से आपको याद प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमको कैसे कैसे इसको साफ करना चाहिए। जो ये बात आई है और हमारे को हमारे सामने इसने वचन बोले हैं तो उसके बारे में फिर बुरा मत सोचो। शीलम परम भूषणम का क्या अर्थ है। जैसे एक नारी को ज्वेलरी पसंद है, एक पुरुष को अपना गले का हार पसंद है, जो पहनते हैं ना वो दूल्हे लोग पहनते हैं ना शादी के समय, यहाँ सोने का हार पहन के आते हैं। अच्छे अच्छे लड़के जो बहुत सीधे साधे रहते थे, जब शादी होती है तो सबके सब देखाता हो, मेकअप वेकअप करा के, बाकायदा मेकअप वाला आया बाहर से, उसने पोता पोती की और उसके बाद फिर उसने जो है जब वो अचकन पहन ली, अचकन बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, हैं, शेरवानी पहन ली, शेरवानी पहन ली, उसके बाद उसके ऊपर एक माला पहन ली, माला भी नकली मोतियों की, कोई जिंदा असली नहीं होते उसमें, आदमी को लगता है कि मैंने आभूषण पहन रखे हैं। ये शीलम परम भूषणम, शील सज्जनता सबसे बड़ा भूषण है। शील जो है उस आचरण, किसी भी नारी के बारे में जब महिलाएं देखने जाती हैं नई दुल्हन को, ये देखते हैं कितना शील है इसके अंदर, गहने वगैरह नहीं देखती, वो देखती हैं कि इसके अंदर शील कितना है, प्रणाम प्रणाम करती है सबको। तो आप कर, आपने देखा कि नहीं, प्रेम मोह वात्सल्य में अंतर बताने की कोशिश करें। प्रेम जो है वो फिजिकल इंस्टिंक्ट है जो अंदर की तरफ जाता है तो वो हो जाता है प्रेम, भगवत प्रेम भगवान की तरफ। बाहर की तरफ जाता है तो वासना हो जाता है, प्रेम मोह वासना बाहर की तरफ जाता है, जब बहिरंग की तरफ जाता है। और मोह जब पजेसी उन्हें सह जाती है तो मोह हो जाता है। और वात्सल्य वो होता है जो माँ का बेटे के प्रति होता है, माँ का बेटे के प्रति। तो वात्सल्य को जब आपके अंदर आ जाएगा तो आप
भगवान के लिए भी आपके मन में वात्सल्य पैदा हो गया। पर इसमें कई नाटक होते हैं, कई लोग वो कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके घूमते रहते हैं, कई महिलाएं वो अपने वात्सल्य को दिखा नहीं पाती या वात्सल्य को वो नहीं कर पाती, डेवलप नहीं कर पाती, तो क्या करती हैं, एक छोटा सा भगवान कृष्ण का एक खिलौना ले लेते हैं, कहते हैं हमारा लाला, हमारा लाला, हमारा लाला। अभी हमको लाला को नहलाना बाकी है, अभी हमको लाला को खिलाना बाकी है, अभी लाला को झुलाना बाकी है। ये जो है ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दिखाओ सबको। हाँ बस आती हैं कई महिलाएं लेके आती हैं तो हम एक भस्म की बुढ़िया उनके पास भी रख देते हैं, जैसे आप आई हो ऐसे आपका लाला आया तो लाला को दे देना ही है बस, अगर ले ये एक्सेप्ट करे तो। पागलपन सा। हाउ द मेडिटेशन स्टेज इज प्लीज़ एक्सप्लेन बाय योर ओन एक्सपीरियंस। मेडिटेशन स्टेज बहुत बढ़िया होती है। मेडिटेशन की स्टेज में जाने के बाद यू गो इनटू ए डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट वर्ल्ड पूरी तरह से, और उस वर्ल्ड में जाने के बाद फिर आपको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, वापस आने में भी मन ये करता है कि नहीं अब आप अभी रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। पर टाइम बाउंड नहीं होता, मेडिटेशन टाइम बाउंड नहीं होता, मेडिटेशन टाइम के बियॉन्ड होता है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज यू मेडिटेट। मेरे को जब फुर्सत मिलती है मैं कर लेता हूँ, पर मैं डेली करता हूँ आधा 10 मिनट से लेकर आधा घंटा, और उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे काम हैं तो उन कामों में उलझा रहता हूँ। हाउ टू पुट ऑन द फ्लेम ऑफ विवेक थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन जैसे जैसे होने लगेगा वैसे वैसे विवेक अपने आप जागृत होगा, विवेक जागृत होगा अंदर ही अंदर से, और वो विवेक जब जागृत होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। बस यही विवेक है, विवेक जो है दूरदर्शी विवेकशीलता का जागरण होता है जब, तो सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ क्या गलत है कहाँ क्या सही है। तो क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे इन इज एम आई डूइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई कुड बी डूइंग। आई हैव ट्राइड माई लाइफ टू ए गोल एंड आई वॉन्ट टू स्टेप फुल्ली इन टू इट। आई लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स बींग वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश स्पीकर ऑफ ऑल टाइम्स। यू विल बी इफ यू वॉन्ट टू, you will be if you determine to do it, you will be doing it. You have to just determine yourself, you have to just think that you can do it, you can do it. If you decide that you can do it, then definitely you can do it, and then gradually the practice will start occurring by your English speaking, oratorship. It is possible, no problem. Gayatri Mantra Marsha Sar Bole Om Bhur Bhuvah Swah तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे अध्यापकगण, अध्यापिका बहनें, हमारे सभी अधिकारी, कुलपति से लेके और कुल सचिव तक, और सभी हमारे अधिकारीगण, हम लोगों ने गीता के दूसरे अध्याय के कई श्लोक इस प्रसंग में 5 क्लासेस में लिए हैं। आज भी ये वाला जो श्लोक है दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धौ शरणम अनविच कृपणा है फल हेतुवा। अब मैं थोड़ा सा इसका अर्थ लिखा देता हूँ, तुमको याद करने में आसान रहेगा। कैसे लिखना, लिखो चलो इसको। भगवान कहते हैं बुद्धि योगाद, बुद्धि योग से, बुद्धि योगाद लिखो हिंदी में,
संस्कृत जो संस्कृत शब्द है, फिर उसके बाद बुद्धि योग से कर्म, कर्म यानी सकाम कर्म, यहाँ कर्म अकेले कर्म बोलते हैं भगवान, सकाम कर्म की बात है, सकाम कर्म जो कामनाओं से जुड़ा हुआ है। दूरेण, दूरेण मतलब अत्यंत ही, अत्यंत ही, अवरम निम्न श्रेणी का है, सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, डोंट गो फॉर इट, कभी इसकी शरण में मत जाना। अवरम, अवरम यानी बिल्कुल इन्फीरियर, अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अतः इसलिए, अतः यानी इसलिए, धनंजय हे अर्जुन तू, हे अर्जुन तू, धनंजय के बारे में कुछ कहानियाँ मैं बाद में बताऊँगा। बुद्धौ, बुद्धौ, बुद्धौ का अर्थ है संबुद्धि में ही, संबुद्धि में ही, संबुद्धि समत्वम योगुच्यते वाली बुद्धि, संबुद्धि में ही। शरणम अनविच, रक्षा का उपाय ढूंढ, शरणम अनविच, बुद्धि योग का ही आश्रय ले, बुद्धि योग में ही जा, बुद्धि योग की तरफ ही जा। और ये बुद्धि योग जो है ये क्या है ये मैं बताऊंगा तुमको, अध्याय 10 का एक श्लोक का हवाला देके बताऊंगा। ही, ही छोटा ही, क्योंकि, क्योंकि फल हेतु, वह फल के हेतु बनने वाले सकाम कर्मी, फल हेतु, वह फल के हेतु बनने वाले, जो चाहते हैं कि हमको फल मिले, जो चाहते हैं हमारा नाम हो, जो चाहते हैं हमारा यश हो, यश फैले, जो चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने कि देखें हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छे लेक्चर देते हैं, जो ऐसे चाहते हैं वो लोग, ये सकाम है, फल हेतु। कृपणाः अत्यंत दीन हैं, गए बीते हैं, कृपणाः अत्यंत दीन हैं, गए बीते हैं, ठीक है ना, अर्थ स्पष्ट हो गया। अब हम अर्थ के स्पष्ट होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि अत्यंत निम्न श्रेणी का है, इसलिए धनंजय तो संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। कर्म सामान्यतया, सामान्य कर्म जितने होते हैं सब कामनाओं से जुड़े होते हैं। तुम लोग यहाँ पढ़ने आए हो, कामना है तुम्हारी, पास होना चाहते हो, तुम लोग धीरे धीरे तुम लोग नेट पास कर लोगे, नेट पास कर लोगे, फिर शिक्षक बनने की कोशिश करोगे या फिर गाइड बनने की कोशिश करोगे, कुछ भी करोगे, कोई ना कोई सकाम कर्म करोगे, लालसाओं से जुड़ा होता है सकाम कर्म जो होता है, सामान्य कामनाओं से जुड़ा होता है, लालसाओं से जुड़ा होता है, इच्छाओं से जुड़ा होता है, लोभ से जुड़ा होता है। सामान्यतः आदमी दो ही कारणों से कर्म करता है, लोभ से और भय से, लोभ से और भय से, किसी के डर से या किसी की आ कारण उसमें आकर्षण घुस जाए, लोभ आ जाए, तो आसक्ति से जुड़ा होता है, फल की तीव्र आकांक्षा से जुड़ा होता है, कुछ पाने की इच्छा हमारे अंदर कर्म का भाव पैदा करती है। तो क्या करें, हम भूल जाते हैं और ये बात हम याद नहीं रखते कि प्रकृति की भाषा कर्म है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, फल अशुभ कर्मों के हैं अशुभ, फल अशुभ कर्मों के हैं अशुभ, शुभ कर्मों के हैं शुभ फल। जो सॉन्ग ऑफ सन्यासी है उसमें उन्होंने लिखा है, फल अशुभ कर्मों के हैं अशुभ, शुभ कर्मों के हैं शुभ फल। कर्म जिसे कैसे फलता है इसके बारे में एक किसान का उदाहरण देता हूँ मैं। यहाँ कर्म और जो कर्म की बात है बीज और किसान के बीच में है। बीज किसान खेत में बोता है, तुम में से कितने लोग कृषि से जुड़े हुए हो, खेती से जुड़े हुए हो, हाथ ऊंचा करो। तुम लोग भी खेती करते हैं, तुम्हारे पिता माता पिता, या तुम करते हो, तुम लोग करते हो, घर में जाके खेती करते हो तुम लोग, तुम लोग करते हो, जानते हो ना तुम खेती में क्या होता है, निराई गुड़ाई रोपाई सब चीज़ें मालूम है तुमको, मालूम है लड़कियों, मालूम है, अच्छा तो सुनो उनको। चलो फिर से, बीज किसान खेत में बोता है, लेकिन हर खेत में बीज नहीं उपजता, उसके लिए किसान खेत को तैयार करता है। कैसे तैयार करता है, मेरी बात सुन लेना, उसके समझ आ जाएगा। सिंचाई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, सबसे पहले जुताई करता है, और जुताई अगर ढंग से ना हो तो क्या करता है, एक लकड़ी का पाटा लगा देता है बीच में, और उसके ऊपर दो तीन लोग, दो लोग बैठ जाते हैं, उसका एक साथी बैठ जाता है, तो अच्छी तरह से सब नीचे की जो घास फस पतवार है सब निकल के बाहर आ जाए, और बार बार खेत को जोतता है। गर्मी की ऋतु में जब जेठ में सूरज तप रहा होता है बुरी तरह से, तब भी किसान हल के लिए खेत में जुताई कर रहा है। क्यों, खेत में अगर गर्मी में जुताई की जाए तो उस पर पहली बरसात हो तो उसकी उर्वरता बढ़ जाती है,
सूरज की किरणों से, सूरज के ताप से। इसलिए वो पहले काम कर लेता है, जो खेती करने वाले होते हैं वे बात जानते हैं। हमारी फसल कटी चैत्र वैशाख में, पहली इसकी पहले वाली फसल वैशाख तक फसल कटती गेहूं की। उसके बाद क्या करते हैं, खेत जोतते हैं, उसके सारे खरपतवार निकालते हैं। खेत की जुताई होती है गर्मी में यानी वैशाख में, जब खेत की जुताई हो गई तो उसमें खाद डालते हैं। कुछ लोग डालते हैं रासायनिक, कुछ लोग डालते हैं कंपोस्ट की, गोबर की। और जब खाद पड़ी तो उसके बाद बरसात का पानी आ जाता है। जब बरसात का पानी आता है खेत नई फसल के लिए तैयार हो जाता है। जुताई के बाद, खाद के बाद, धूप लगने के बाद मिट्टी उर्वर और भुरभुरी हो जाती है। समझ रहे हो ना तुम लोग बात, तुम लोग जानते हो सारी बात। खेत की मिट्टी नए बीज को धारण करने के लिए अब तैयार है। नया बीज आएगा तो वो उसमें फल जाएगा। कर्म और कर्म फल के बीच में यही दूरी है, कर्म और कर्म फल के बीच यही दूरी है। पहले खेत की मिट्टी सही होना चाहिए, खेत को उर्वर होना चाहिए, मिट्टी में ताकत होना चाहिए, बीज को पुष्ट होना चाहिए। आपकी मिट्टी में ताकत है कि नहीं, भगवान पूछते हैं आपकी मिट्टी में ताकत है कि नहीं। अगर बीज बोया जाएगा तो फलेगा कि नहीं, आपने कुछ कुछ संस्कारों को निकाला कि नहीं, खरपतवार को निकाला कि नहीं अंदर से, भगवान पूछते हैं। और जब पूछते हैं तो उसके बाद कहते हैं इसकी समय समय पर सिंचाई निराई गुड़ाई की कि नहीं। सिंचाई निराई गुड़ाई सत्संग की, स्वाध्याय की, भक्तिभाव की, समर्पण भाव की, ये की कि नहीं आपने, भगवान पूछ रहे हैं। समय पर उसे खाद पानी बार बार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं खेत में बीज बो दिया और बात खत्म हो गई। और जब खेत में फसल आ जाए तो कौवों और पक्षियों से बचाने की भी जरूरत पड़ती है, फसल की रक्षा करते हैं। कितनी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद फसल किसान के घर आती है, यही स्थिति कर्म के बारे में। कर्म भी कृषि कर्म है। हमारा जो एक अध्याय है इसमें जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बात करता है, 13वां अध्याय, 13th chapter, प्रकृति पुरुष का विवरण और 13वां अध्याय पूरा पूरा। कभी मौका लगा तो उसके बारे में बात करेंगे। जो हम कर्म करते हैं वो कर्म हम किस खेत में बो रहे हैं इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हमारा खेत कौन सा है, चित्त की भूमि। हमारा खेत है चित्त की भूमि। बाहर कर्म कर रहे हैं लेकिन उस कर्म का बीज हमारे चित्त में संग्रहित होता चला जाता है। कर्म तो बाहर कर रहे हैं पर उसका जो कर्म का बीज है हमारे चित्त में संग्रहित होता जाता है। इसीलिए इसको चित्ताशय कहते हैं, चित्ताशय। हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन जो है वो आमाशय में जाता है, आमाशय से में जाता है तो पित्ताशय से पित्त निकल के आता है, वो भी उसे आके पचाता है उसको। इसी तरह से चित्ताशय होता है, चित्ताशय। हमारा चित्ताशय के साथ हमारा कर्माशय का, कर्म बीजों का संग्रह जुड़ा हुआ है। कर्माशय में हमारे कर्म बीजों का संग्रह है। जितने हमने कर्म किए हैं जीवन रूपी खेत में, हम कर्म बोड़ते हैं तो उसकी फसल हमारे चित्त में आती है। चित्त भूमि मजबूत होना चाहिए, भूमि हमारी सही होना चाहिए। अगर भूमि सही नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं लगेगी अच्छी। कैसे शुद्ध स्वच्छ और साफ हमारी भूमि, पाप भूमि नहीं होना चाहिए हमारी भूमि, पुण्य भूमि होना चाहिए। पाप भूमि नहीं चाहिए हमें, पुण्य भूमि। जो पाप हमारे भीतर हैं, दुष्कर कर्म हैं, जटिल कर्म हैं, उनके लिए बार बार जुताई चाहिए, बार बार खाद चाहिए। तो ये जो हम कहते हैं ना बार बार स्वाध्याय करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ये बार बार क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि जरूरत पड़ती है बीच बीच में। हमने कर्म तो किए लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है? फल इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम अनुभवी किसान की तरह कर्म नहीं करते। अनुभवी किसान क्या करता है, खेत का दौरा लगाता है, पूरा राउंड लेता लगाता है। रबी की फसल आती है जब गेहूं पक जाता है, गेहूं की फसल आ जाती है तो खरीफ की फसल के लिए, धान की फसल के लिए, उड़द के लिए, मूंग के लिए वो फिर खेत में कर्म करता है। रबी खरीफ खरीफ और जायद तीन फसलें आती हैं। जो चतुर किसान होते हैं वो एक ही समय में तीनों फसल ले लेते हैं। वो जो थोड़े से मक्कार टाइप के होते हैं, आलसी टाइप के, वो नहीं ले पाते, दो ही ले पाते हैं बस। खेत की उर्वरता और खेत की मिट्टी को कमज़ोर नहीं होने देते वो। जो चतुर कर्म करने वाला होता है वो अपने पुण्य को, तप को कमज़ोर नहीं होने देता। जो चतुर कर्म करने वाला होता है वो अपने तप को, पुण्य को कमज़ोर नहीं होने देता। तो तप और पुण्य से आपकी फसल मजबूत होगी, गुणों की। तप और पुण्य से आपके कर्म की फसल मजबूत होगी। पुण्य जो है वो जुताई है और शुभ कर्म उसकी जुताई है। तप जो है हमारा वो उसकी खाद है। पुण्य जो है वो उसकी जुताई है और तप उसकी खाद है।
समझ रहे हो ना शब्द, पूरे खेती के साथ साथ जोड़ के बता रहा हूँ मैं। पुण्य प्रबल है और तप प्रखर है, चित्त भूमि में बीज बहुत ढंग का होता है। वो कर्म अगर श्रद्धा के साथ, मनोयोग के साथ, प्रबल पुरुषार्थ के साथ किया जाएगा तो हमारा प्रबल पुरुषार्थ से, मनोयोग से किया जाएगा तो फसल अच्छी निकलेगी, मतलब कर्म फलित होगा हमारे जीवन में और हम जो निर्णय लेंगे वो सही होगा। बड़ी विडंबना की बात है, हम जब बुरे कर्म करते हैं तो उसमें प्राण ऊर्जा नकारात्मक ही सही पूरे वेग से लगती है। हम जब बुरे कर्म करते हैं, चोरी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, या हम किसी को चोट पहुंचाने की बात सोचते हैं, अपमानित करने की बात सोचते हैं, तो पूरी की पूरी ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पूरी फोर्स से लगती है। किसी के साथ ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, पूरे आवेग के साथ सोचते हैं, बड़ी प्लानिंग करके सोचते हैं, पूरे पुरुषार्थ के साथ। भले कर्म करते हैं तो ढीले में ढाले मन से करते हैं, तब हमारे अंदर वो श्रद्धा, वो पराक्रम, वो पुरुषार्थ, आवेग नहीं रहता, पता नहीं क्यों। पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर से योग फलता है, श्रद्धा और वीर से योग फलता है। तो बात इतनी है कि कार्य हम कैसे करें, वो पुरुषार्थ कैसा है, वो श्रद्धा क्या है, तो मनोयोग क्या है, वो प्रबल आवेग हमारे अंदर है या नहीं, वो कर्म क्या है। चतुर किसान अपने खेत की उर्वरता को कभी नष्ट नहीं होने देता, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम अपने अंतर जगत के खेत को कभी नष्ट नहीं होने देंगे। अच्छा कर्म करने वाला, अच्छा पुरुषार्थी व्यक्ति अपनी चित्त भूमि की उर्वरता को नष्ट नहीं होने देता। अपनी इस उर्वरता को नष्ट मत होने दो। तुम लोग सब युवा हो, युवा होने के अलावा तुम्हारे अंदर जो उर्वर चित्त भूमि है, कर्म भूमि है, उसमें शुभ कर्मों का संचय बनाते रहो। गुरु नानक ने एक बात कही है, शुभ कर्मन्ते कबहु न टरो, शुभ कर्मों से कभी न टरो, हटो मत, जब मौका लगे शुभ कर्म कर डालो, अभी नहीं तो कल काम आएगा, कल नहीं तो परसों काम आएगा। शुभ कर्म उसको कहते हैं जिसमें आपके आपसे अनायास ही कोई अच्छे काम हो जाते हैं। किसी को किताब पढ़ने को दे दी, किसी के लिए मदद कर दी, किसी के लिए कुछ और कुछ जो तुम्हारे मन में आया करने के लिए वो कर दिया तुमने, कोई विकलांग था उसकी मदद कर दी तुमने, दिव्यांग की मदद कर दी तुमने। तो ये जो शुभ कर्म हैं ये जब इकट्ठे होते रहते हैं तो फिर क्या होता है कि माहौल बदल जाता है, उस क्षेत्र का माहौल बदल जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति के इतिहास में 100-150 साल के दो तीन पीरियड ऐसे आए जिनमें स्वर्ण काल कहा गया जिनको। क्यों? क्योंकि उन राज्यों में और वहाँ पर अच्छे कर्मों की एक श्रृंखला बनी। उदाहरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण शासन, स्वर्णिम शासन भारत का राज, जिसे हम गुप्तकाल कहते हैं, गुप्तकाल, तुमने इतिहास पढ़ा है ना, गुप्तकाल जानते हो, समुद्रगुप्त का काल था, स्कंदगुप्त का काल, समुद्रगुप्त का काल, 400 वर्षों तक भारत का स्वर्णयुग कहे जाने वाले समय। समुद्रगुप्त की जीवनी जब पढ़ते हैं, स्कंदगुप्त की जीवनी जब पढ़ते हैं, तो निरंतर यज्ञ, निरंतर शुभ कर्म, निरंतर ललित कलाओं का विकास, निरंतर प्रजा में सुख शांति का वातावरण इन गुप्तकाल के सम्राटों ने बनाए रखा, कभी इन्होंने कम नहीं किया। घर घर में यज्ञ, घर घर में गायत्री, घर घर में जप, घर घर में, और इस वजह से हमारा वैभव भी बढ़ा, हमारी समृद्धि भी बढ़ी और देने की प्रक्रिया बढ़ी। आर्ट ऑफ गिविंग, देना, देते रहो देते रहो, हम देते तो हैं नहीं, लेना जानते हैं बस, सरकार से मिल जाए, उनसे मिल जाए, उनसे मिल जाए, हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। राजा और प्रजा दोनों ही धर्मपरायण रहे, केवल ये नहीं कि और प्रजा धर्मपरायण नहीं, बल्कि राजा भी धर्मपरायण रहे, और इस वजह से व्यक्ति का निजी जीवन ही सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, सबके सब उज्ज्वल होता चला गया। ये एक समय ऐसा, हमारे 3-4 बार ऐसा समय आया हमारे पिछले 2000 साल में। कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। हम लोगों ने दुख के भी समय देखे हैं क्योंकि हमने सुमिरन छोड़ दिया भगवान का। हम दुख में तो पुण्य बटोरते हैं कि क्या दान दें, क्या अच्छे कर्म करें, किस पंडित को खिलाएं, किस ब्राह्मण को खिलाएं, कौन से रंग की गाय को खिलाएं, किसको खिलाएं, तर्पण, अभी इन्हों तर्पण चल रहा है ना, तो हम लोग कर रहे हैं इस समय, क्योंकि तर्पण से ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज जो हैं सब पितर वो संतुष्ट होंगे। सुख में हम पुण्य कर्म करना भूल जाते हैं, पहले तो हमें शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, पहले हमें खेत को उर्वर बनाना आना चाहिए, पुण्य कर्मों से उर्वर बनाओ अपनी खेत, अपनी भूमि को, मनोभूमि को। किसान कभी भी उर्वरता को नहीं छोड़ता,
दो नवरात्रियाँ हमारे खेत में फसल लेके, फसल की खेती के लिए अवसर लेके आती हैं। एक नवरात्रि जो दो दिन बाद आ रही है, और शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि अप्रैल में आती है, जिसकी हम क्लास ले चुके हैं आप लोगों की। चैत्र नवरात्रि में गेहूं की फसल आती है और शारदीय नवरात्रि में धान की फसल आती है। ये किसान की दृष्टि से, पर हमारी दृष्टि से ये कि गुणों की दृष्टि से आपके पास एक अवसर आ रहा है इस नवरात्रि में कुछ कमाने का, कुछ जमा पूंजी रखने का, खेत की उर्वरता हमारे अंदर पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगी। यही बात हमारे कर्म पर भी लागू होती है। कई बार हमारे जीवन में लोग कहते हैं तंत्र मंत्र भी फलता है क्या? नहीं फलता, केवल कर्म फलेगा, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म फलेगा। हमारे देश में कुछ इतना खिलवाड़ हुआ है, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि रासायनिक खादों ने हमारी उर्वरता छीन ली है, हमने गोबर नहीं डाला। जब गोबर डालना चालू किया तो हमने कंपोस्ट खाद डाली, गोबर गोबर की खाद डाली, तो हमारे यहाँ की उर्वरता आई। मैं नागपुर गया था, नागपुर से विदर्भ का पूरा बेल्ट मैंने देखा वहाँ का, तो वहाँ देखा मैंने कि लोग जो है आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनके खेत पूरे पूरे बंजर हो गए, पूरी खेत बंजर हो गए, पूरी भूमि बंजर हो गई रासायनिक खादों ने। लोगों ने आंदोलन चलाया, पेड़ जल्दी जल्दी लगाओ, हमने लगाने शुरू कर दिया, यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए, बिना सोचे समझे लगा दिए। ब्रिटिश सरकार ने यूकेलिप्टस मंगाए और यूकेलिप्टस लगा दिए, बहुत गाँव में यूकेलिप्टस के पेड़ लगे। खेतों की सारी नमी इवोपरेट कर देता है, नीचे से पानी खींचता है, ऊपर फेंक देता है, तो उससे क्या हुआ, खेतों की सारी नमी चली गई। जब नमी चली गई तो क्या हुआ, पेड़ तो बढ़ गए लेकिन खेत का पानी सूख गया और खेत में पानी का लेवल नीचे चला गया। वैज्ञानिकों ने इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा है, बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह से हम लोगों ने अपने फसल का, अपनी खेती का नुकसान सहा है। जब हम अपने जीवन में शुभ कर्म करना सीख लेंगे, शुद्ध कर्म करना सीख लेंगे, शुभ और शुद्ध दो हैं शब्द, शुभ कर्म और शुद्ध कर्म। शुभ कर्मों के लिए हमारे पुण्य और तप का सिलसिला कभी कम नहीं होना चाहिए। शुभ कर्म जितना किया जाए उतना अच्छा, जितना ज़्यादा किया जाए उतना और अच्छा। इसका बैंक जो है चालू रहता है, सब हमेशा चालू रहता है, बैंक में डिपॉजिट होता रहता ही है। कई ऐसी पीढ़ियाँ हैं, कई ऐसे परिवार हैं, जैसे हम देखते हैं घनश्याम दास बिड़ला, थोड़े से पैसे से व्यापार शुरू किया था जुगल किशोर बिड़ला जी ने, उनके पिताजी ने, और वहाँ से फिर घनश्याम दास बिड़ला और सभी जी डी बिड़ला से लेके अनेक बिड़ला, जिनकी ज़मीन पे तुम लोग बैठे हो, ये भी बीके बिड़ला की ज़मीन है, बसंत कुमार बिड़ला ये वाली, और ये हम लोगों ने ली थी बहुत सब्सिडाइज प्राइस में। उस समय उस ज़माने में हमने 1999 में ये ज़मीन ली थी, करीब करीब 131 बीघा ज़मीन ली थी हमने, बहुत बड़ी ज़मीन थी। और भी ज़मीन ले सकते थे परंतु इतनी ज़रूरत नहीं थी, और उसके बाद अगर हम लेते तो शायद ये भी आसपास का इतना चीज़ पनप ना पाती और हमारे अपना ही होता पूरा, कोई ज़रूरत नहीं। लालच का क्या है, लालच तो कितना भी चाहे बढ़ा लो, पर ये ज़मीन जिसमें आपका विश्वविद्यालय खड़ा है, इसमें जो बगीचा है, ये बगीचा बड़े शौक के साथ बिड़ला जी ने लगाया था, बिड़ला जी के पोते लड़के। टाटा ने बहुत थोड़ी शुरुआत की थी लेकिन चल रहे हैं घराने उनके। पहले हम शुभ कर्म करना सीखें, अपने चित्त भूमि को बंजर ना होने दें, हमारे जीवन में शुभ कर्म निरंतर अनवरत होते रहें। जैसे आप बंद कर दोगे काम करना, अच्छे काम करना, आपकी चित्त भूमि बंजर होती चली जाएगी। चित्त भूमि को बंजर ना होने दें, निरंतर करने दें। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारी संस्कृति में पर्व त्यौहार की परंपरा है, पर्व त्यौहार चलते रहना चाहिए। इतने व्रत उपवास होते हैं इसीलिए होते हैं, व्रत उपवास भी चलते रहें, पर्व त्यौहार भी चलते रहें। जो तप जुड़ा हुआ है इनके साथ, जो तप जुड़ा हुआ है, मेरी मौसी जी थी बॉम्बे में, मेरी माँ की, माँ सबसे छोटी थी, सबसे छोटी पाँचवें नंबर की वो थी, दूसरे नंबर की मौसी जी, वो 365 दिन में से 340 दिन उपवास करती थी। आज किस चीज़ का उपवास है, आज किस चीज़ का उपवास है, पता नहीं कितने लोग मेरे लिए उपवास रखती थी वो। अरे मैंने कहा नहीं आप तो कुछ खाया करो भाई, बिल्कुल सूख के कांटा जैसी थी वो पूरी पूरी। हम एकादशी का व्रत करेंगे, हम बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे, हम रविवार का व्रत करेंगे, तो भैया सात व्रत वार हैं, सातों के सातों वार में कर लो, मत खाओ कुछ। ऐसे कई लोग हैं, कई मासियाँ हैं, कई दादियाँ हैं, कई नानियाँ हैं जो व्रत करती रहती हैं, व्रत करती रहती हैं,
मेरा पोता जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ता है, उसके लिए मैं कर रही हूँ व्रत, तुम्हारे लिए, तुम्हें नानी कर रही, तुम्हें दादी कर रही व्रत। अरे तुम करो तो कोई बात है, क्या व्रत करोगे तुम? नहीं, व्रत नहीं करना बेटा, तुम आप प्रेम से खाना है, खूब प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा जो संयम रखना है वो थोड़ा थोड़ा संयम रोज रखो, और थोड़ा सप्ताह में एक बार रखो कभी कभी, बस गुरुवार का व्रत, अस्वाद व्रत ऐसे। पर ये जो व्रत हैं, इससे हमारा तप न क्षीण होने पाए, इसके लिए हम लोग तप अनुष्ठान, व्रत पर्व ये निरंतर करते रहते हैं। ये अनुष्ठान हमारे तप क्षीण नहीं होने देते, हमारी संस्कृति कभी तप क्षीण होने में विश्वास नहीं करती। बस 100 तरीके हैं, हम दान देते हैं कई संस्थाओं को, हमारे यहाँ निरंतर दान आता है, निरंतर, और वो इसलिए आता है कि लोग ये कहते हैं कि शांतिकुंज को दिया हुआ दान हमारे जीवन में फलित होता है। हमने अगर वेदमाता गायत्री ट्रस्ट को दिया है, शांतिकुंज को दिया है, वो हमारे जीवन में फलित होता है। कोई दान कन्याओं को देते हैं, कन्या भोज करते हैं, पितर पक्ष आता है तो पितरों के लिए श्रद्धा के श्रद्धावश पितरों को अर्पित करते हैं। परसों का दिन वो वाला दिन है जिसमें सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, जितने पितर हैं उन सबका आप मोक्ष प्राप्त कराने के लिए आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। श्राद्ध यानी श्रद्धा से किया गया सत्कर्म, और तर्पण यानी तृप्ति के लिए किया गया कर्म। श्राद्ध यानी श्रद्धा, श्रद्धा श्रद्धा के निमित्त किया गया कर्म। हमने उनको श्रद्धा दी, वो हमें पुण्य देंगे, हमें अपने पुण्यों से लदा लाद देंगे पूरी तरह से। पितरों को श्रद्धा दें, वे हमें ज्ञान देंगे, बल देंगे, इनविजिबल हेल्पर्स, अदृश्य सहायक बन जाते हैं ये जो पितर हैं, ये इनविजिबल हेल्पर्स बन जाते हैं, अदृश्य सहायक। कई बार हमको कहीं से एक संकेत मिलता है, इधर से मत जाओ, इधर एक्सीडेंट होने की संभावना है, कौन करता है? ये अदृश्य सहायक, हमारे पितर, हमारे जो दिवंगत, हमारे जो दादाजी हैं, नाना जी हैं, मामा जी हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। भगवान कहते हैं पहले पुण्य कर्म करो, फिर शुभ कर्म, फिर तप, ये क्षीण न होने पाए। एक व्यक्ति कहता है थोड़ा सा करते हैं हम, जब पुण्य कर्म होते हैं तो चित्त में संग्रहित कैसे हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली अंदर जाते हैं डेबिट की तरह से, डेबिट कार्ड की तरह से। आप लोगों को एक चीज़ बराबर ध्यान रखनी है, दूरेण ही अवरम कर्म, दूरेण दूर रहो, दूरेण ही अवरम कर्म, इन्फीरियर क्वालिटी के कर्मों से दूर रहो, बचो। कहते हैं धनंजय से बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग में जाओ, बुद्धि योग की शरण में जाओ। धनंजय अर्जुन का नाम है, कैसे? महाभारत में लिखा है, महाभारत में उल्लेख आया है, राजसूय यज्ञ के युधिष्ठिर ने, तो उस समय सबसे बड़ी परेशानी थी कि खांडव प्रस्थ मिल गया था पांडवों को, और जो इंद्रप्रस्थ था वो मिल गया था कौरवों को, लेकिन खांडव प्रस्थ मतलब निरा जंगल, खांडव प्रस्थ में सांप ही सांप, आसुरी शक्तियों का आश्रय, बुरा ही बुरा था वहाँ, कुछ अच्छा नहीं था। तो अर्जुन ने अपने पुरुषार्थ से, जो भूमि अनुर्वर थी, उर्वर नहीं थी, उर्वरता नहीं थी, पुण्य राशि नहीं थी वहाँ पर, उसने उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। बढ़िया, निरंतर राजा और प्रजा ने सहयोग करके अपने पुरुषार्थ से उस जंगल को कृषि कर्म के लायक बनाया, वहाँ आसुरी साम्राज्य को हटाया, वहाँ नागों के साम्राज्य को हटाया, सारे सांप वाप सब मार दिए अर्जुन ने अकेले ने। अब भी कुछ बाकी था तो उस साम्राज्य को और व्यापक विशाल बनाना था, तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी। अर्जुन ने विभिन्न प्रकार के अभियान रचे, लोगों से कहा, राजाओं से कहा, राजसूय यज्ञ जनता के लिए किया, प्रजाहित के लिए किया, लोकहित के लिए किया, और कुछ राजाओं को पराजित करके, कुछ राजाओं को सहयोग करके व्यापक धनराशि इकट्ठी की, इसलिए उसका नाम धनंजय है। धन का अर्जन जो करे वो धनंजय, जो छिपे खजाने को ढूंढ के निकाल लाए वो धनंजय। अर्जुन को अर्जुन क्यों कहते, धनंजय क्यों कहते हैं? इसलिए धन का संचय करने वाले, धन का अर्जन करने वाले, धन पर विजय प्राप्त करने वाले को कहा गया धनंजय। इस राजसूय यज्ञ के लिए जो धनंजय श्रृंखला अर्जुन ने की, विपुल धनराशि इकट्ठी की, उसके बाद उसका नाम हो गया। भगवान ने कहा तुम शुभ कर्मों में तो निपुण हो, शुभ कर्म तुमने अच्छे किए हैं, तुमने अपने राज्य के लिए तुमने पैसा इकट्ठा किया, और न केवल पैसा इकट्ठा किया बल्कि उसको संचय भी किया, पर तुम शुद्ध कर्म नहीं कर पाए। शुद्ध कर्म, शुभ कर्मों के साथ साथ शुद्ध कर्म भी करो, शुद्ध कर्म करो। शुद्ध कर्म का मतलब क्या होता है? ईश्वरीय प्रकाश का जब अवतरण होने लगे कर्मों में, ईश्वरीय प्रकाश का अवतरण। जीवन यूं ही परिमार्जित नहीं होता, जीवन यूं ही प्रखर नहीं होता, जीवन होता है प्रकाशित। भगवान कहते हैं तप तो असुरों ने भी किया, वैभव भी पाया, समृद्धि भी पाया, लेकिन विनष्ट नष्ट हो गए,
चाहे कोई भी हो, सारे असुर नष्ट हो गए। पर तुमको हम अविनाशी जीवन का रास्ता दिखाते हैं, एक शाश्वत जीवन का रास्ता दिखाते हैं, प्रकाशित जीवन का रास्ता दिखाते हैं। प्रकाशित जीवन क्या है? शुभ के साथ साथ शुद्ध, शुद्ध कर्म। ये श्लोक इसी के बारे में है। जब व्यक्ति, परिवार और समाज मिलकर के पूरे राष्ट्र में एक साथ अपनी चित्त भूमि को उर्वर बनाता है, चित्त की बंजर भूमि को फिर से उर्वर बनाते हैं। गुरुदेव का जो अभियान है, प्रज्ञा अभियान, गुरुदेव का जो मिशन है, वो पूरा के पूरा चित्त को उर्वर बनाने का, चित्त को प्रकाशित करने का अभियान है अपना। ये जो मिशन है, देव संस्कृति क्या है? देवत्व जगाना अंदर, और अपनी चित्त की बंजर भूमि को उर्वर बनाना। समाज में फसल लहलाने लगती है, शुभता की फसल, श्रेष्ठता की फसल, उत्कृष्टता की फसल। अभी ऐसा ही समय है, ये समय ऐसा ही है। आने वाले 10 वर्षों में बड़ी तेज़ी से शुभ और उज्ज्वल स्तर के कई कर्मों की बाढ़ आएगी, बहुत सारे। भगवान कहते हैं, धनंजय स्मरण रखो, सकाम कर्म बहुत दूर तक नहीं जाते। ये जो मैंने तुमको बताया ना, दूरेण ही अवरम कर्म, ये बहुत दूर तक नहीं जाते सकाम कर्म। सकाम कर्म ऐसा जैसे करंट अकाउंट चल रहा है, रोज़ डाल देते हो, रोज़ निकाल लेते हो। सेविंग चल रहा है, थोड़ी सेविंग की, बीच बीच में फिर निकाल ली, बढ़ने नहीं दी उसको। और निष्काम कर्म कैसा है, जैसे बार बार फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, वो आपका बढ़ता रहता है धीरे 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 धीरे। ईश्वरीय खजाने में जो डिपॉजिट होता है आपका कर्म, भगवत अर्पित कर्म, वो बढ़ता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। 7% इंटरेस्ट नहीं, बल्कि 10% इंटरेस्ट, 9.5, 10%। ये जो निष्कामता होती है, तब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो और भगवान से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, भगवान से आपके सूत्र बन जाते हैं। भगवान कहते हैं, ये छोटे स्तर के हैं सकाम कर्म। मैं हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर रहा हूँ, किस लिए? बच्चे की सफलता के लिए, पत्नी के लिए, तबीयत के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हद दर्जे की, एक प्रकार से कहा जाए तो हद दर्जे की वो छाई हुई है बेअकली लोगों में, कि इस तरह से इन इन कर्मों से कुछ मिलेगा। ये अवर हैं, मतलब छोटे स्तर के हैं, शुद्र हैं, वर्णन करने योग्य नहीं है। बुद्धि योग की तुलना में निम्न श्रेणी का है शुद्ध है। क्यों? आपने किया और आपने पाया, आपने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। इसलिए भगवान कहते हैं, समत्व रूपी बुद्धि को विकसित करो, समत्व रूपी बुद्धि को विकसित करो। भगवान कहते हैं बार बार, समत्वम योग उच्चते, समत्व को ही योग कहा गया है, इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया परिभाषा है योग की, जितनी बढ़िया परिभाषा गीता में आई है उतनी बढ़िया परिभाषा कहीं नहीं है। समत्वम योग उच्चते, समत्व क्या चीज़ है? समत्व का मतलब है स्थिरता, समत्व का मतलब है शांति, समत्व का मतलब है स्थिरता, शांति, एकाग्रता, साक्षी भाव। समत्व है अनासक्ति, यहाँ आसक्ति नहीं आ सकती, आसक्ति नहीं आ सकती, वो अनासक्ति। अनासक्ति किसको कहते हैं? यहाँ आसक्ति नहीं आ सकती, ठीक है। जहाँ अनासक्ति हो, जहाँ समत्व हो, जहाँ साक्षी भाव हो, जहाँ एकाग्रता हो, जहाँ शांति हो, वो है। हमारे शुभ कर्मों की श्रृंखला बार बार टूट क्यों जाती है? भगवान कहते हैं बार बार इसलिए टूट जाती है कि आप समत्व नहीं ला पाए अपने जीवन में, इक्विलिब्रियम नहीं ला पाए, बैलेंस, बैलेंस्ड। भाई बैलेंस लाने के लिए आपको रोज़ का रोज़ बैलेंस थोड़ा डालना पड़ेगा ना उसमें। सत्संग का बैलेंस डालो, स्वाध्याय का बैलेंस डालो, साधना का बैलेंस डालो, थोड़ा थोड़ा बैलेंस डालना पड़ेगा। केकेई बहुत अच्छी महिला थी, बुरी नहीं थी, इतनी बुरी नहीं थी जितना उसने बुरा कम किया। केकेई शुभ कर्म में विश्वास रखती थी, दान में विश्वास रखती थी, पुण्य में विश्वास रखती थी, हमेशा देती रहती थी। अचानक उसके पुण्य कर्मों की श्रृंखला टूटी और इसके लिए अयोध्या को एक विपदा का सामना करना पड़ा। ये श्रृंखला क्यों टूटी? मन में ईर्ष्या जागी, मन में अहंकार जगा, उसके मन में लिप्साएँ जग गईं। अपने बेटे के लिए कुछ काम करने की बात आई, ना भरत सुखी रह सके, ना अयोध्या सुखी रह सके, ना राम सुखी रह सके। पर राम को आना पड़ा क्योंकि मंथरा ने जाल रच दिया था, कुटिलता घुस गई थी। इसलिए कहते हैं कुसंग का त्याग। जब आप अपना संगति बदल देते हो और कुसंग को त्याग करके आप सत्संगति में आ जाते हो, तो सबसे बढ़िया ये होता है कि आपके जीवन में एक प्लस पॉइंट आ जाता है,
आपका प्लस पॉइंट बढ़ता चला जाता है। शुभ कर्मों की श्रृंखला से वंचित कर देता है कुसंग, शुभ कर्मों की निरंतरता से वंचित कर देता है। आपको लिप्साएं सिखाती हैं, मैंने इतना किया तो मेरे पास इतना होना चाहिए, बस। प्रकृति कभी बेईमानी नहीं करती। भगवान बुद्ध की आप अगर जातक कथाएं पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा वर्णन मिलेगा। 108 जन्मों की कथा है। किसी जन्म में कहते हैं भैंसा थे, किसी जन्म में हाथी थे, किसी जन्म में वो शेर थे, ऐसे कई तरह की कथाएँ आती हैं। एक बड़ी प्यारी कथा है, उस जन्म एक जन्म में भगवान बुद्ध हाथी थे, शांत चित्त स्वभाव के हाथी थे, उग्र नहीं थे। एक बंदर था जो उन्हें सताता था, लेकिन बंदर से परेशान नहीं होते, वो अच्छा कर्म करते थे, जीवों की मदद करते रहते थे, छोटे छोटे जीवों की मदद करते रहते थे। जंगल में एक बार आग लग गई, आग लग गई तो सब भागे, छोटे छोटे जीव भागे, सब पशु पक्षी जंगली जानवर भागने लगे। जब भागने लगे तो हाथी भागा, हाथी के रूप में बोधिसत्व अर्थात भगवान बुद्ध भागे, जो बुद्ध पिछले जन्म में थे। हाथी भागा और अचानक भागते भागते हाथी का अगला पैर लड़खड़ाया बड़ा, तो उसके पैर के नीचे खरगोश आ गया। अब वो पैर के नीचे आने के बाद वो रक्षा हो गई उसकी आग से, पर उसको पैर तो हटाना पड़ा, पैर तो हटाना जरूरी था, पैर नहीं हटाता तो वो जल जाता। हाथी अपना पैर बढ़ाए तो कैसे बढ़ाए, खरगोश दबकर पिचककर मर जाएगा। बोधिसत्व नाम के उस हाथी ने भगवान का ध्यान किया, शांति से नन्हे से जीव की रक्षा की, खुद जल गया पर खरगोश को बचा लिया उसने। ये सत्कर्म उनको हाथी के रूप में जो मिला वो उनके मनुष्य जन्म के रूप में अगले जन्म में फलित हुआ। किसी को यूं ही ज्ञान नहीं मिलता। कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि जब 13 जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक जीवन जीने की लालसा पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। 13 जन्मों का पुण्य चाहिए तब जाके तुम मनुष्य जीवन में रहोगे और इच्छा पैदा होगी। मनुष्य जीवन में तो मनुष्य काया में तो बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत सारे घटिया जीवन जीते हैं, बहुत सारे नर पशु का जीवन जीते हैं। जब आपको ऐसा जीवन मिले जिसमें आपको सत्संग मिले, सुसंग मिले, अच्छे विचार मिले, अच्छे भाव मिले, संसार की माया और चक्रव्यूह इतने ज़्यादा है, ये लालसाएँ पैदा होती रहती हैं, उन लालसाओं से बचने का रास्ता मिले, शुभ कर्म हो, शुद्ध कर्म हो, पुण्य ही पुण्य हो, तो हम बढ़ते चले जाते हैं, ऊंचाई की ओर चलते जाएँ। शुभ कर्मों से हमारा अहंकार न पैदा हो, शुभ कर्म भगवत अर्पित हो जाए, शुभ कर्म निष्काम हो जाए। भगवान कहते हैं तुम बुद्धि योग की शरण लो, तुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय। तू बुद्धि योग में जा। ये बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग है सतत समत्व की प्रक्रिया, सतत समत्व की प्रक्रिया। कंटिन्यूसली इक्विलिब्रियम शुड कम इन योर लाइफ बाय सत्संग, बाय स्वाध्याय, बाय भक्ति, कुछ भी करो पर अपने जीवन में इसको आने दो। भगवद गीता में एक श्लोक है बहुत सुंदर, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, 10:10। वो श्लोक है तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। एक ही जगह आया बुद्धि योग शब्द पूरी गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। वो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूपी बुद्धि योग देता हूँ, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। अब अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए भगवान से, आपकी एक चीज़ मांगिए, भगवान मुझे बुद्धि योग दे दीजिए बस। मान लो आपके श्रद्धा से कभी ऐसा लगे कि भगवान आ जाएंगे सामने तो क्या मांगू, बुद्धि योग मांग लेना बस, कुछ नहीं, बुद्धि योग। बुद्धि योग मिल गया तो आनंद आ जाएगा, जीवन बदल जाएगा पूरे पूरे, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। फिर हर जन्म में आपको वही गुरु गुरु भगवान ही मिलेंगे। बुद्धि योग में कहते हैं जब तमस भी न रहे या रजस भी न रहे, केवल सत्व ही सत्व बस, तमस भी नहीं रजस भी नहीं। तमस में आलस्य होता है, तमस में क्रोध होता है, तमस में विष होता है, किसी न किसी को डंक मारने की आदत आ जाती है। रजोगुण जो हमारा है वो अमृत विष का मिला जुला रूप है, उसमें कर्म तो होते हैं लेकिन शुद्ध नहीं होते। लेकिन अगर शुद्ध कर्म करना है तो आपको सत्वगुण की ओर जाना पड़ेगा। पुण्य मनुष्य करता है लेकिन आसक्ति के साथ करता है, समझ लालसाओं के साथ करता है। भगवान कहते हैं बुद्धि योग देता हूँ तो बुद्धि योग की शरण में जाओ, कर्म के दोषों को निकाल दो। आप लोग सब्जी लेने जाते हो बाजार से, यहाँ नहीं घर जाते हो, जब सब्जी लेने जाते हो नहीं बाजार से,
जब लौकी लाते हो, कुछ और लाते हो, सब्जी को साफ करते हो कि सब्जी को सीधे हम डाल देते हैं कढ़ाई में? साफ करते हो ना, छीलते हो, काटते हो, काटने के बाद उसको फिर अच्छी तरह सफाई करके धुलाई करके फिर उसको डालते हो उसमें कढ़ाई में। सीधा सीधा छील दिया, सीधा सीधा काट दिया, ऐसा संभव नहीं है। बुद्धि योग भी ऐसा है। बुद्धि योग हमारे कर्मों को शुद्ध करता है और फिर डालता है ये फील्ड में, हमारे अंदर वो भाव जगाता है संसार में कुछ भी कीमती नहीं है। बुद्धि योग सही अर्थों में हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। जो मिलेगा वो नष्ट होगा। हम नश्वर जीवन में शाश्वत की खोज करते हैं, क्षणभंगुर जीवन में शाश्वत की खोज करते हैं। हम ध्रुव की तरह, हम प्रहलाद की तरह लीन हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम, जो निरंतर जुड़ा हुआ है प्रभु से वो एक क्षण के लिए भी वियुक्त नहीं होता, अलग नहीं होता भगवान से। भजताम प्रीतिपूर्वकम, निरंतर भाव विभोर होकर मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग सबको नहीं मिलता, पुण्य कर्म करने वालों को नहीं, अकेलों को नहीं मिलता। पुण्य कर्म करने के साथ, पुण्य के साथ साथ तब जिन्होंने किया है उनको मिलता है बुद्धि योग। प्रेम करने वालों को मिलता है, प्रेम भगवान से, प्रेम परमात्मा से, प्रेम आदर्शों से, प्रेम सत्प्रवृत्तियों से, प्रेम भगवान से, प्रेम परमात्मा से, प्रेम आदर्शों से। जब हमारे जीवन में कर्म के साथ जब भगवान घुलते हैं, जब हमारे कर्मों में परमात्मा घुलता है, तो हमारे कर्मों में विराट घुलता है। तब एक हाथी के मन में खरगोश के लिए दया आ जाती है, जैसे बोधिसत्व के साथ हुआ। जब करुणा उपस्थित है तो भगत सिंह के अंदर विवाह करने के समय राष्ट्र प्रेम उमड़ता है। जब उसकी माँ कहती है बार बार तू शादी कर ले, तू शादी कर ले, कुड़माई नहीं हुई तेरी, कुड़माई नहीं हुई, तो भगत सिंह कहते हैं नहीं, मुझे मेरे राष्ट्र से मेरी शादी हो गई, आज़ादी से मेरी शादी हो गई। समाज के लिए व्यापक भावनाएं उमड़ती हैं। विवेकानंद कहते हैं एक देश की राजकुमारी से, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया है। मैं तुमसे शादी करके अपने घर की गरीबी दूर करना नहीं चाहता, मेरा घर आराम से फल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। आप देखिए कैसे कैसे लोग हुए हिंदुस्तान में, राष्ट्र के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। महाराणा प्रताप, अकबर ने समाप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया, सारे प्रयास कर डाले। न जाने कितने लाख मुगल सैनिक मरे, न जाने कितने उनके सैनिक मरे होंगे प्रताप, महाराणा प्रताप के, पर सबने साथ दिया उनका। घास की रोटी खाई, जंगलों में रहे, लेकिन आन नहीं छोड़ी, भीलों के साथ रहे, और आखिरी तक समर्पित नहीं किया उन्होंने अपने आप को। पूरी तरह से एक आदर्श स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर कोई माना जाए तो हमारे देश में वह है महाराणा प्रताप। भगत सिंह चाहते तो बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस ICS पास करके आ गए थे, कलेक्टर बन जाते। आरबीआई कलेक्टर के रूप में उनकी अपॉइंटमेंट भी हो गया था, परंतु उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। उन्होंने अपने आप को युद्ध की भूमि में डाल दिया। बर्मा में चले गए और जापान चले गए और अंग्रेजों से लड़े। अरविंद घोष चाहते तो ICS निकाल के बहुत अच्छी नौकरी करते, तो ICS के आखिरी पॉइंट पे वो आकर के उन्होंने अपने आप को गिरा दिया, घुड़सवारी में फेल हो गए। चित्त चिंतन और चेतना सब में भगवान बस जाएं, चित्त चिंतन और चेतना सब में भगवान बस जाए, प्रकाश आ जाए, तो फिर तो लालसाएं भी समाप्त हो जाती हैं सारी। बुद्धि हमें योगी नहीं बनाती। बुद्धि योग में जो बोल रहा हूँ उसको समझना। बुद्धि जब हमारी श्रद्धा से घुल जाती है तो बुद्धि से दोष मिट जाते हैं। जब बुद्धि में प्रेम घुल जाता है तो ऐसा होता है जैसे पारस पत्थर लोहे को छू के सोना हो गया। बुद्धि में जैसे प्रेम घुल जाता है तो ऐसा जैसे मीरा के जीवन में भगवान कृष्ण आ गए। वैसे बुद्धि जब भक्ति से छूती है तो प्रेम का स्पर्श होता है, ईश्वर की चेतना से उसका स्पर्श होता है, बुद्धि योग बन जाती है। उपनिषद कहते हैं नायमात्ना प्रवचने न लभ्यो न मेह दया न बहुना श्रुतेन। बुद्धि योग सबको नहीं मिलता। बुद्धि योग किसको मिलता है? बुद्धि योग मीरा को मिलेगा। जब प्रतिस्पर्धा होगी तो मीरा को मिलेगा, रैदास को मिलेगा, बुद्धि योग कबीर को मिलेगा। बुद्धि योग का पढ़ने लिखने से, डिग्री उपाधि से हमने सब नेट कर लिया, बुद्धि योग मिल जाएगा हमको? कहाँ मिलेगा बुद्धि योग की डिग्री, कहाँ मिलेगी? नहीं, आपके नेट से कोई मतलब नहीं उसका। बुद्धि योग का मतलब है हमारा चित्त, हमारा चिंतन प्रभु में विसर्जित हुआ कि नहीं, हमारा चित्त और हमारा चिंतन और हमें चेतना उनमें मिली कि नहीं। भगवान कहते हैं कर्म को संभालो, शुभ कर्मों से शुरुआत करो, लेकिन शुभ कर्मों को शुद्ध भी करो, निरंतर प्रोसेस। परिस्थिति बदले लेकिन बात करने से नहीं बनेगी, बात इससे बनेगी हम शुभ कर्मों को शुद्ध करें, चित्त भूमि को शुद्ध करें किसान की तरह से।
उदाहरण दिया किसान का, इसीलिए बार बार देखना पड़ेगा हमें चित्रभूमि में कुछ दोष तो नहीं आ गया, हमारे पुण्य को खंडित करने का प्रयास तो नहीं कर रहा कोई। महाराज परीक्षित बहुत ही भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अर्जुन के पौत्र थे, अर्जुन के बेटे के बेटे, उत्तरा के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र थे, महाराज युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी, समझ गए ना परीक्षित के बारे में, मालूम है ना कि परीक्षित कौन थे, भगवान धर्मराज युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी, और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त अर्जुन के पौत्र, अर्जुन के पोते। उनके जीवन में इतना कुछ था, सब कुछ, प्रतापी गुरुवंश के सम्राट, कृपाचार्य उनके मार्गदर्शक, कुलगुरु, उनके जीवन में इतना अनुभव हो चुका था, परिजनों इतना दे दिया था, पर उसी पीरियड में उनका समय समाप्त हो गया। समय मतलब युग समाप्त हो गया, द्वापर युग समाप्त हो गया उन्हीं के सामने, कलयुग आ गया। एक दिन महाराजा परीक्षित ने देखा बैठे हुए हैं और एक ठाके लगाते हुए एक बदरूप सा, एक बेकार चेहरा वाला आदमी चला रहा है। बोले, हम आपके यहाँ आग लगाने आए हैं, वो बोला, और हम आपको दुख देने आए हैं। कलयुग बोला, महाराजा कृष्ण का युग बीत गया, द्वापर बीत चुका, अब मैं कलयुग हूँ, आ गया हूँ, धर्म तीन चरणों से अपाहिज हो चुका है आपका, अब जो बचा खुचा है वो मैं कर दूंगा, चौथा चरण काल ने भेजा है। महाराजा परीक्षित बोले, मेरे रहते नहीं आ सकते तुम। कलयुग बोला, कैसे नहीं आ सकता, मेरे पास प्रताप है, मेरे पास बल है, मेरे पास सामर्थ्य, मेरे पास प्रताप है, बल है, कलयुग ने कहा। महाराजा परीक्षित ने कहा, मेरे पास पुण्य है, मेरे पास तप है। महाराजा परीक्षित ने कलयुग के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र का आमंत्रित किया कि इसको नष्ट कर दो। ब्रह्मास्त्र की ज्वाला की ऊष्मा से कलयुग जलने लगा। वो बोला, महाराज मैं तो शरणागत आया हूँ आपके, शरणागत की ऐसी स्थिति नहीं करते, मुझे आप मार्ग बताइए, मुझे शरण में ले लीजिए, मैं भी तो हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम हमारे यहाँ से चले जाओगे? बोले, चले जाएंगे। तो बोले, तुम कहाँ जाओगे? तो बोले, आप मुझे जगह बताइए। तो तीन जगह बताई उन्होंने। परीक्षित ने कहा, तुम जुआ घरों में जाओ, या जुआ खेला जाता है वहाँ जाओ, एक नंबर, एक नंबर, दो या चरित्रहीन वेश्याएँ रहती हैं वहाँ जाओ, पहला जुआ घर में जाओ, वहाँ जाके तुम अपने स्थान बनाओ, दूसरा चरित्रहीन वेश्याओं के यहाँ जाओ, और तीसरा जहाँ मदिरापान होता हो, प्रेम से दारू पीते हो लोग बाग और एक दूसरे से लड़ते हो, वहाँ जाओ। बोले, महाराज एक जगह और बता दीजिए बस, क्योंकि मेरा काम बड़ा है, मेरा काम करना है, तो मैं कहाँ जाऊँ? ये जैसे परीक्षित ने कहा, ऐसा करो कि तुम चौथा जो स्थान है सुवर्ण में चले जाओ, जहाँ सोना हो वहाँ चले जाओ, सुवर्ण के। भगवान ने क्या दुर्गति कर दी उसकी, उनकी बुद्धि की, कलयुग मुस्कुराया और परीक्षित के राजमुकुट में घुस गया। सोना तो था ही इसमें, वो भी सोने का बना हुआ था। एक दिन निरंतर पुण्यकर्म करते करते परीक्षित का निरंतर पुण्यकर्म करते रहते थे, यज्ञ करते थे निरंतर, किसी कार्य से जंगल में भटक रहे थे। राजा वहाँ शमी ऋषि बैठे थे, उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने पानी नहीं दिया। परीक्षित ने पानी मांगा कि भाई हमें पानी दे दो। परीक्षित का किला जो है ये, यहाँ से हम जब बिजनौर जाते हैं, बिजनौर के बाद पड़ता है, बाकायदा बहुत बढ़िया है, देखने लायक है। वहीं हस्तिनापुर है, वहीं पर पूरे पांडवों का जो सारा करीब करीब हमारे यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर सब बना हुआ है पूरा ये। मैं पृथ्वी सम्राट परीक्षित और ये साधारण भिक्षुक मेरी ध्यान से मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। शमीक ऋषि तप में लीन थे, उनसे पानी मांगा, उन्होंने सुना नहीं, गुस्साए, विवेक चला गया और कलयुग के प्रभाव से एक मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के कान गले में डाल दिया। पुण्यकर्मों की श्रृंखला अहंकार के कारण टूट गई। जैसे होता है ना, पुण्यकर्मों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। समत्वम योग उच्चते, मेंटेन इट। शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि आए, देखा उन्होंने और श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7 दिन के अंदर सातवें दिन उसको सांप के रूप में काटेगा, सर्पदंश होगा, तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये मेरा श्राप है और अटल है। श्रृंगी ऋषि बड़े तपस्वी थे। जब ऋषि की समाधि टूटी तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, मूर्ख तूने क्या किया, ये तूने श्राप दिया तो ऐसा जो इसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। राजा परीक्षित धर्मात्मा है, वो एक क्षण के लिए चूके, तूने एक क्षण में इतना बड़ा श्राप दे दिया। पिताजी मैंने क्रोध के आवेश में कर दिया,
तपस्वी के जीवन में दुर्गुण नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए उसको। तूने अभिमानवश जो क्रोधवश जो किया वो गलत है। शुभ कर्मों का मर्म परीक्षित जान सके थे, लेकिन शुद्ध कर्मों का मर्म अभी तक नहीं जान पाए थे। धर्म का मर्म तो जानते थे, लेकिन अध्यात्म का मर्म नहीं पहचान पाए थे। भगवान कहते हैं बुद्धौ शरणमन अनविच्छ, जो श्लोक में आया है, बुद्धि योग का आश्रय लें। जब शमिक ऋषि ने सुना तो बोले बड़ा अनर्थ हो गया, अब क्या करें, आप श्राप तो मिल चुका आपको, आप महाराज आप ये हमारे बेटा है तपस्वी है, लेकिन क्रोध के आवेग में आ गया, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि जो समय है इतना पराक्रम कर लें कि आप मोक्ष को प्राप्त हो सकें। समय है, इसमें पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, ऋषि का श्राप लग गया है। महाराज परीक्षित कृपाचार्य की शरण में गए, गुरुओं की शरण में गए, 7 दिनों में कौन सी योग साधना हो सकती है बताओ? कोई ऐसा साधना हो सकती हो, कोई जप हो सकता हो? तो उन्होंने कहा, सभी ने कहा मृत्यु सुनिश्चित है, श्राप अटल है। अब उतना प्रबल कर्म कौन करे कि ऋषि के श्राप को लांग करके, पुण्य कर्मों की सारी श्रृंखला को लांग करके बुद्धि योग की शरण में ले जाए, भगवान की शरण में चला जाए? सब लोगों ने कहा महाराज ऐसा एक व्यक्ति कर सकता है। सब लोगों ने कहा आपका सहयोग दे सकता है वो है सुखदेव, सुखदेव दे सकते हैं। सुखदेव राधिका के लोक के जीव थे, वहाँ से आए थे। भागवत सप्ताह का आरंभ ऋषि सुखदेव करेंगे, पूर्ण रूप से ज्ञानी, संसार के सभी बंधनों से मुक्त, पूर्ण रूप से मुक्त, नित्य मुक्त प्राणी सुखदेव, नित्य मुक्त आत्मा, प्रेम में विभोर रहने वाले, भक्ति में जीने वाले, संसार से विरत। उन्होंने कहा महाराज हम आपको भगवान कृष्ण की कथा सुनाएंगे, श्रीमद् भागवत। राधा कथा नहीं सुना सकते, भागवत में राधा कथा राधा की कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत में राधा का कहीं नाम नहीं है, गीता में राधा का कहीं नाम नहीं है, गीता में और श्रीमद् भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है। राधा की कथा भागवत पुराण में नहीं है, ब्रह्म विवर्त पुराण में है, पद्म पुराण में है। राधा जो है उसके अनन्य भक्त थे सुखदेव, जैसे ही राधा का नाम लेते थे उनको समाधि लग जाती थी, तो 6 महीने की समाधि चले जाते थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षित ने कहा महाराज अभी तो आप हमारा त्राण कीजिए, 7 दिन की कथा चली। स्थान था शुक्रताल, जो यहाँ से हम जब मुजफ्फरनगर जाते हैं तो रास्ते में आता है शुक्रताल, ये सब स्थान पास पास में हमारे यहाँ से। कभी एकाध कोई ट्रिप चले तुम लोगों की तो तुम सब इन सबको देख के आना, पूरा स्थान का, और वहाँ की दीवारें खोदी गई हैं, दीवारें देखी गई हैं, सबके सब हस्तिनापुर के समय की हैं पूरी पूरी। हस्तिनापुर भी वहीं पर है, मेरठ से थोड़ी दूर मेरठ के पास का जो क्षेत्र है, वहाँ गंगा के तट पर हस्तिनापुर के अवशेष मिलते हैं अरण्य में वन में। शुक्रताल में गायत्री शक्तिपीठ भी है अपना, वहाँ महाराजा परीक्षित को योग सुखदेव ने वो कथा सुनाई। 7 दिन गुजरे और 7 दिन में 7वां दिन जो है वो अटल था। कल्याणदेव जी महाराज वहाँ हुए हैं, जो 128 साल का जीवन, हमारे यहाँ आए थे और बहुत ही बुद्धभंग बोलने बोलते समय, हाँ इस भूमि का भूमि पूजन उन्हीं के द्वारा किया गया, इस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कल्याणदेव जी महाराज ने किया है पूरा ही पूरा 1999 में। तो ये वो उन्होंने वो भूमि अपने तप से पुण्यवान बनाई है। पुण्य कर्म करने वाला, शुभ कर्म करने वाला यदि शुद्ध कर्म न करे तो बाधाएं क्या आती हैं? 7वां दिन था, मृत्यु अटल थी, तक्षक को काटना था। तक्षक चल पड़ा था, एक ब्राह्मण चला कि हम बचाएंगे, और तक्षक की क्या मजाल, हम बचाएंगे महाराज परीक्षित को, हम उनको देंगे जीवनदान। ब्राह्मण चला, साथ में तक्षक भी चला, तक्षक इच्छाधारी नाग था, नागों का राजा था। ब्राह्मण बोले कहाँ जा रहे हो भाई? बोले कि महाराजा परीक्षित को जीवनदान देने, सुना है तक्षक नाग को अपने विष पर इतना अभिमान हो गया है कि वो हमारे महाराज को काटेगा। ब्राह्मण बोला अरे महाराज परीक्षित को ठीक कर देंगे तो कितना राज सम्मान होगा, कितनी हमें धनराशि मिलेगी। और ब्राह्मण कह रहा है जो जा रहा है बचाने के लिए, कितनी धनराशि मिलेगी, कितना धन मिलेगा? अब ब्राह्मण शुभ कर्म करने जा रहा है पर उसमें धन की लिप्सा है, स्वर्ण की लालसा है। वो कह रहा है तक्षक ने कहा क्या चाहते हो तुम, मान लो तुम राजा को बचा लोगे तो क्या चाहते हो तुम? अरे कम से कम 10 लाख हमको स्वर्ण मुद्राएं मिलें, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलें। तक्षक ने कहा जरा तुम्हारी विद्या का चमत्कार तो देखें, तुम्हारे पास क्या कौन सी विद्या है, नाक काटता हूँ काटता है तुम्हारी विद्या के चमत्कार दिखा। उसने कहा ठीक है, एक हरा भरा पेड़ है सामने बहुत बड़ा, इसको तुम काट के दिखाओ, इसमें तुम अपना जहर डालो।
तक्षक ने डसा उस पेड़ को, एक क्षण में पेड़ सूख गया, जड़ें भी सूख गईं और पूरा पेड़ में कोपलों से लेकर फल से लेकर ठूंठ से खड़ा रह गया। बोले बस यही बोले तक्षक का, अब जरा देख मेरी विद्या। ब्राह्मण ने मंत्र बोले, जल फेंका और पेड़ तत्काल हरा भरा हो गया। तक्षक को लगा ये ब्राह्मण साधारण नहीं है, तपस्वी विद्वान ब्राह्मण है, शुभ कर्मों वाला ब्राह्मण है। बोले देखो शुभ और शुद्ध में कितना अंतर होता है, कितने सुवर्ण की लालसा रखते हो ब्राह्मण? बोले 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं महाराज की तरफ से मिलेंगी। बोले मैं तुम्हें 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अभी देता हूं, तुरंत तुम चले जाओ वापस। ब्राह्मण बोले 10,00,000 तुम दोगे? हाँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम परीक्षित का इलाज नहीं करोगे। लेना देना जो है मुझे है परीक्षित से, तुम्हें नहीं देना। शुभ कर्म करने जाने वाला ब्राह्मण 10,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में फंस गया और अशुद्ध चिंतन होने की वजह से वापस चला गया। कितने लेके? 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेके चला गया। भागवत कथा पूर्ण होने वाली थी, भगवान की कृपा से सारे चक्र जग गए थे, 7वां चक्र पहुँचने वाले थे परीक्षित सुखदेव के सत्संग ने। तक्षक ने फूल के अंदर प्रवेश करके एक नन्हे से कीड़े का रूप धारण करके परीक्षित को डस लिया, परीक्षित की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विरत क्यों हुआ, ब्राह्मण क्यों हुआ अपने कर्म से? शुभ कर्म को शुद्ध कर्म नहीं बना सका, शुभ कर्म को शुद्ध कर्म नहीं बना सका। परीक्षित भटके क्यों? शुभ कर्म को शुद्ध कर्म नहीं बना सके। इसलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग की शरण में जा। मीरा को कोई डिगा नहीं सकता, रिदास को कोई डिगा नहीं सकता, तेषाम सतत युक्ता नाम। इसलिए अगर आपको जाना है, शाश्वत को पाना है, बुद्धि योग की शरण में जाओ और इससे दूर रहो। जो अवर कर्म जो बताया उन्होंने, दूरेण ही अवरम कर्म, इससे दूर रहो। ये घटिया कर्म है, घटिया कर्म है, आसक्तिपूर्ण कर्म है। फल की लालसा रखने वाले लोग ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेगा मिलेंगे, ये करेंगे तो ये स्वर्ग मिलेगा, ये छोड़ो। भगवान कहते हैं निम्न श्रेणी के लोग हैं, शूद्र हैं, दीन हैं, कृपण हैं, कंजूस हैं। कृपण माने होता है कंजूस, सामान्य क्रम में कंजूस कहते हैं, पैसा रुपया नहीं खर्च करता। पर जो स्वार्थ खर्च नहीं करता, जो अहंकार खर्च नहीं करता, वो भी कंजूस। जो लिप्साओं को मिटाता है, आकांक्षाओं को मिटाना, आसक्तियों को मिटाना, इस मामले में भी कंजूस है, कृपण है। फल की इच्छा करने वाला है वो कृपण है, फल हेतु वह फल की कामना रखने वाला। भगवान कहते हैं बुद्धौ शरण शरण मन अनविच, बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्ध की शरण में नहीं। भगवान ने तीन बातें कही हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि से बोध की ओर चलो, बुद्धि से बोध की ओर चलो। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म के तत्व में प्रतिष्ठित हो। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म के तत्व में प्रतिष्ठित हो। संघम शरणम गच्छामि, अपनी खंडित चेतना को संघवत कर लो, संघबद्ध कर लो, अपनी खंडित चेतना को संघबद्ध कर लो। ये तीन संदेश भगवान बुद्ध के हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं सबकर ममता ताग बटोरी, सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद हृदय बांध बड़ डोरी। मेरे हृदय में मेरे को डोरी से बांध लो, अपनी सब ममताओं को छोड़ करके चित्त के अनेक धागे बिखरे हुए हैं, इन धागों को लो, इनकी रस्सी बनाओ, मेरी शरण में आ जाओ। डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी मत जियो, बहुत ज़्यादा डिस्प्लिट पर्सनैलिटी में जीते हो तुम। संगम शरणम गच्छामी, बिखराव की ओर नहीं, संगम की शरण में। एक छोटी सी कथा है, बस उसके बाद में समाप्त कर दूंगा। एक बड़ी प्यारी सी कथा है। पहले एक सज्जन थे, एक संत थे, ब्राह्मण थे, तो मेहनत करते थे, कथा कीर्तन करते थे, पैसा लाते थे, पत्नी को देते थे, पत्नी बड़ी खुश थी उनकी, तरह तरह के पकवान बनाती थी, भोजन बनाती थी, अच्छे अच्छे खाना खिलाती थी। पति जो था थोड़ा गुस्से वाला था, जो कथावाचक थे, वो बार बार कहते रोटी ज़्यादा सिक जाए तो नाराज, चावल गीला बन जाए तो कहते चावल गुलत्थी वाला हो गया, सब्जी में नमक पड़ गया कभी तो नाराज बार बार। तो ब्राह्मणी को कहते देखो जी, अगर हमारा खाना ठीक से नहीं बनाया, ठीक से सेवा नहीं की, मैं तुमको छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूँगा। क्या फ़ायदा ऐसी गृहस्थी जिसमें खाना भी ठीक से नहीं मिलता? हम कोशिश तो पूरी करते हैं बनाने की, पूरी करते। हर घर का एक झगड़ा जो होता है इसी पति पत्नी में, इसी का होता है खाने का। उस ज़माने में संत रहते थे जिनका नाम था संतोबा। मैं संतोबा के आश्रम में चला जाऊँगा, बार बार बोलता था। एक गांव में घूमते घूमते संतोबा उस दिन ब्राह्मणी के घर में आ गए। बोले महाराज हम आपकी शरण में हैं, हमारे पति रोज़ आपके यहाँ जाने की धमकी देते हैं। बोले भेज दो, इतनी सी बात, अब की बार धमकी दे कह देना जाओ, मैं संभाल लूँगा उसको, भगवान हमारा घर ही उजड़ जाएगा। बस तुम चिंता मत करो, हम हैं ना,
थोड़ा भगवान पे करो विश्वास, थोड़ा हम पे भरोसा करो इतिहास। भगवान के रास्ते निकलेगा जैसा आदमी, तुम्हें लगता है भगवान के रास्ते निकलेगा जो खाने में तृप्त नहीं होता, इंद्रियां तृप्त रहती हैं, ऐसा झगड़ालू आदमी ईश्वर प्राप्ति के लिए निकलेगा तुमको लगता है? जिसकी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही, जिसको खाना पसंद नहीं आ रहा है, उसको भगवान क्या पसंद आएगा उसको? इसलिए तुम चिंता मत करो, हम ठीक कर देंगे उसको। दूसरे दिन पतिदेवता ने धमकी दी, तुमने कहा एक काम करो आप पतिदेव, आप चले जाओ संतों बा के आश्रम में। आप ईगो की बात आ गई। ब्राह्मण ने सोचा हमने तो ऐसी धमकी दी थी, हमने कब कहा था हम आश्रम चले जाएंगे। चलता रहा, शाम तक वो तीन चार बार बोल गई, अरे जा नहीं रहे, तैयार हो जाओ, खाना वाना खा लिया है, जाओ। मैं तुम इतना बुरा भी खाना नहीं बनाती हो, तुम अच्छा ही बनाती हो। नहीं नहीं कुछ भी हो आप संतों के आश्रम में चले जाओ। अहंकार फिर कुरेदा, हाँ जाएंगे जाएंगे, तुमको इतनी जल्दी क्या है, अच्छे काम को जल्दी करना चाहिए। इसे तुम संतों के आश्रम चले जाओ। अब कुल मिला के ब्राह्मण देवता घर छोड़ना पड़ा, संतों के आश्रम चले गए। संतोबा ने कुटिया दी और जंगल से लकड़ी काट के लाने को कहा, भिक्षा मांग के लाओ, आश्रम का रूखा सूखा बेस्वाद सा भोजन। जब उन्होंने खाना चालू किया तो उन्होंने कहा, महाराज तो खाना अच्छा नहीं है, घर का खाना ठीक था क्या तुम्हारा? वो इससे ज़्यादा बेटर था, तो बोले क्यों आए फिर यहाँ? अब धीरे 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 अब फिर उपवास, उन्होंने चले उपवास कर लेंगे थोड़ा बहुत। निर्जला एकादशी आई, ब्राह्मण देवता एकादशी भी नहीं करते थे। संतोबा ने कहा कल किसी को भोजन नहीं मिलेगा, कल एकादशी। ब्राह्मण घबराया, रूखा सूखा भोजन मिलता था वो भी नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? संतोबा बोले हम मानते हो ना तुम अपने तपस्वी जीवन जीने के लायक नहीं हो अभी? हाँ मानते हैं। तो अपने गृहस्थ जीवन में जाओ, नित्य कर्मों को करो, अपने नैमित्तिक कर्मों को करते हुए, कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपनी पत्नी का सम्मान करते हुए अपने घर को आश्रम बनाओ। गृहस्थ एक तपोवन है, तुम तपोवन की तरह जियो। स्थान परिवर्तन से कुछ नहीं होता, थोड़ी देर में तुम्हारा चित्त भड़क जाता है क्रोध से, थोड़ी देर में मोह के आवेग से, थोड़ी देर में द्वेष के आवेग से। अपने शास्त्र वचन को आचरण में तो लाओ, कथा तो बड़ी अच्छी कहते हो पर अपने जीवन में क्यों नहीं उतारी? भागवत कहते हो पर भक्त के लक्षण तुम में नहीं है। ब्राह्मण बोले महाराज पत्नी ने तुमको भगा दिया, हम कैसे जाएं वापस? बोले मान जाएगी, मैं समझा दूंगा, पत्नी फिर से तुम्हें बढ़िया भोजन बनाएगी। ठीक है महाराज। संतोबा के आश्रम से गए अपने घर ब्राह्मण देवता घर गए, अपनी आदत सुधारी, ब्राह्मण का आचरण कैसा होना चाहिए, और उसके बाद फिर उन्होंने शास्त्रवेत्ता का आचरण कैसा होना चाहिए ये सीखा। दीर्घकाल तक पति पत्नी दोनों ने अभ्यास किया। नरोत्तम राव के रूप में, गृहस्थ संत नरोत्तम राव के रूप में उनका ख्याति प्राप्त हुए। परिमार्जन करते करते बदलते चले गए, उनका बड़ा नाम है, नरोत्तम राव बन गए बाद में। पहले शुभ कर्म करना सीखो, फिर शुद्ध कर्म करना सीखो। भगवान कहते हैं जो गंगा स्नान करना जानता है वो उसको नालों में नहीं जाना चाहिए, नालों में स्नान करने का लोभ छोड़ देना चाहिए। जिसको निष्कामता में आनंद आ गया उसको सकामता में नहीं जाना चाहिए, सकामता में नहीं जाना चाहिए। चित्त को नित्य निरंतर किसान की तरह नित्य निरंतर उर्वर बनाना चाहिए, तभी बुद्धि योग प्रकट होता है, तब जीवात्मा में कोई मीरा जागती है, कोई हृदास जागता है। बुद्धि योग बोध तक की यात्रा है, बुद्धि योग बोध तक की यात्रा है। भगवान कहते हैं अगर ऐसा हुआ धनंजय, तुमने अभी तक धन संचय किया है, अब तुम बोध संचय करो, अब तुम बोध का संचय करो। तुमने पुण्य कर्म किए, तुमने एकदम भिखारी की तरह जब पांचों भाइयों को निकाल दिया पिता ने, ज्येष्ठ पिता ने, तुम सब जंगल में आ गए, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास, तब तुमने संचय किया। जरा विवेक जगाओ, इस क्षणभंगुर इस नश्वर में अनश्वर को तलाशो, हे धनंजय, तब तुम्हें पता चलेगा बुद्धौ शरणम अनविच्छ का मतलब क्या होता है। बुद्धियोग की शरण में जाओ, उसका आश्रय ग्रहण करो। पुण्य बहुत हो चुका है, तब बहुत हो चुका है, अब जरा ईश्वर प्रेम में डूबो। तीन स्टेजेस हैं, पुण्य तप ईश्वर प्रेम, पुण्य तप ईश्वर प्रेम, ये तीन स्टेजेस हैं। अब तुमने पुण्य बहुत कर लिया, तप बहुत कर लिया, ईश्वर प्रेम में चले जाओ। अब जो निष्कामता में डूबो, कामनाओं शुद्धताओं को समझो, कृपणा, हाँ ये कृपण लोगों की होती हैं, शुद्ध लोगों की बातें, महान लोग बुद्धियोग का आश्रय ग्रहण करते हैं। तुम धनंजय, तुम उस पराक्रम और पुरुषार्थ को प्रदर्शित करो। आज की बात यहीं समाप्त। कृपणा हाँ फल हेतु, वह कृपण होते हैं वो जो फल के हेतु बन जाते हैं। आरती के लिए आ जाओ। ओम यम रम भवेनाम भवितो अनंति परम प्रधानम पुरुषम तथानि विश्वोगते कारणमी स।
तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ जय भगवद् गीते जय जय भगवद् गीते हरिय कमल विहारिणि हरिय कमल विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॐ जय भगवद् गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा तत्वज्ञान विकासिनी तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा जय भगवद् गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी जय भगवद् गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय भगवद् गीते आशुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद् गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद् गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय भगवद् गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद् गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद् गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवद् गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे भगवद् गीते ओम जय भगवद् गीते जय जय भगवद् गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद् गीते ओम जय भगवद् गीते जय जय भगवद् गीते स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृजत ब्रह्मलोकम् परसों से ये परसों सर्वपितृमोक्ष अमावस्या है उसके अगले दिन से पहला दिन परसों शाम को यह संकल्प हो जाएगा तो आप लोगों में से जो अनुष्ठान करना चाहे अनुष्ठान कर सकते हैं जो नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है जो तुम्हें पढ़ाई भी है और तुम भूखे भी नहीं रह सकते बहुत ज़्यादा तो तुम केवल एक चीज़ खाने की एक चीज़ लगाने की रोटी सब्जी दाल चावल जो खाना चाहो तुम्हारी जो इच्छा हो लेना
कोई उपवास के चक्कर मत पड़ना, जल उपवास मत करना, कोई कुट्टू वुट्टू और ये सब साबुदाना और ये सब इन चक्कर मत पड़ना, ये सब जाम कर देते हैं पेट को और कहीं प्योर नहीं होते, सब सब अशुद्ध होते हैं। इसलिए अगर तुमको खाना ही है, एक समय फल ले लो, एक समय खाना खा लो, पूरा खाना खा लो, ठीक है। अनावश्यक रूप से अपने शरीर पर जोर मत डालना किसी भी तरह का, जो तुमसे सधे वो साध सको वो करना बस। माला जितनी बने उतनी कर लेना, मैं तुमको एडवाइस करूँगा 3 माला सवेरे 3 माला शाम को, मेरी एडवाइस ये है। तो अगर तुम 27 माला करना चाहते हो तो बेटा फिर पढ़ाई में मत बैठना, एग्ज़ाम में मत बैठना इस साल, क्यों तुम फिर कैसे कैसे पढ़ोगे तुम? अगर पढ़ोगे कब, क्या करोगे? इसलिए तुमको सीधा सच्चा मार्ग बता रहा हूँ, 3 माला वाला, 3 माला सुबह 3 माला शाम को। 3 माला में 3 कितने लगते हैं? 3 × 5 = 15 मिनट, 3 × 5 = 15 मिनट, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को गायत्री मंत्र की माला कर ली, ठीक है। ये अनुष्ठान का तुम्हारा क्रम रहेगा, खान पान का क्रम रहेगा। बाकी इस पीरियड में 9 दिन में किसी की निंदा मत करना, किसी की बुराई मत करना, किसी के अहंकार को चोट मत पहुंचाना, खुद भी अहंकार मत करना, ठीक है। ये सब छोटे छोटे से व्रत हैं, इन व्रतों को करने का प्रयास करना। मैं रोज़ 1 क्लास लूँगा शाम तक, कब तक? 6 तारीख तक। 7 तारीख की सवेरे लूँगा 1 क्लास, उस दिन मुझे मथुरा जाना है गायत्री तपोभूमि का शिव वो करने के लिए, भूमि पूजन करने। तो मैं सुबह क्लास लेके मैं चला जाऊँगा, तुम लोग उसके बाद भोजन कर सकते हो, पूर्णाहुति कर सकते हो, और पूर्णाहुति में आराम से तुमको जो भोजन चाहिए उस दिन वो बता देना मुझे पहले से, मैं वो भोजन तुमको करवा दूँगा, ठीक है। और 7 तारीख 8 तारीख को विजयादशमी है, विजयादशमी मनाना, और यहाँ दशहरा मैया भी मनाया जाता है, दशहरे में खूब सारे स्टॉल्स लगते हैं, उसका तुम आनंद लेना खूब खूब। बस इतनी सूचनाएं थी। जो क्लास चालू होगी हमारी वो होगी गीता में यज्ञ का विधान, यज्ञ की महत्ता क्या है, गीता और यज्ञ इन दोनों का बीच में आपस में क्या परस्पर तालमेल है। बहुत बढ़िया क्लासेस हैं और इन क्लासेस से तुमको एक आनंद आएगा, अलग आनंद आएगा, तुमको कई चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो तुमको नहीं पता थी, ठीक है। गुरु सत्ता को नमन। ॐ नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस प्रकार से लोगों ने प्लास्टिक की बोतल जो है इनसे पक्षियों के लिए, अब पक्षियों को पता कैसे लगा कि इसमें पानी है? इसको धागा बांध के टांगना है ताकि पक्षियों को पता रहे कि उनके लिए लगाया गया है इसको, पानी पीने के लिए, ठीक है ना। तो पानी ये दूसरा है, बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इको फ्रेंडली। जग्गी वासुदेव ने एक अभियान चलाया है कावेरी कालिंग, उसमें कावेरी नदी के किनारे बहुत बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के माध्यम से नदी को पुनर्जीवित करने की उनकी योजना है। उसमें हमारे जितने परिजन हैं वहाँ के तो वो भागीदारी करेंगे ही, पर हम तो गंगा कालिंग कई 3-4 साल से कह रहे हैं, गंगा किनारे वृक्षारोपण। करीब करीब 4 करोड़ वृक्ष अपन लगा चुके हैं पिछले 5 सालों में, और वृक्ष हम लगाएंगे आना जितने भी हो सकते हैं, गंगा तट पर, यमुना तट पर, इन दो नदियों को तो हम बराबर करेंगे, इनके ब्रांचेस पे भी करेंगे, ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वार्थ सुशांतिर्भवतु।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।